चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली मामरा जो है इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का 4% ग्रो होता है, या फिर इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है इसलिए प्रेफर किया जाता है, या फिर इसलिए कि ये पहले भी एक स्टेटस सिंबल था और आज भी एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है इसलिए। एक्चुअली होता क्या है कि ओल्डर टाइम में जो राजा महाराजा होते थे या जो रिचेस्ट पीपल होते थे वो मामरा को ही प्रेफर करते थे क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल था। कॉस्टली बादाम खाना भी पहले का स्टेटस सिंबल हुआ करता था, और आज भी लोग जो इसको अनजाने में ये सोचकर खरीदते हैं कि मामरा कॉस्टली है इसलिए अच्छा होगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि मामरा कॉस्टली होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। अब ये क्यों फायदेमंद है पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मामरा जो है और बादाम से इतना अच्छा नहीं है, कॉस्टली है लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो गलत सोचते हैं क्योंकि मामरा जो है एक रिचेस्ट फूड होता है। इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे रिचेस्ट फॉर्म में होते हैं, चाहे कोई भी हो, जैसे ये शुगर हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, या फिर ऑयल हो, विटामिन ई हो, या फिर राइबोफ्लेविन हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये सारी हाई कंटेंट्स होते हैं इसके। अब बात करती हूँ शुगर के बारे में। कुछ लोग ये सोचते हैं क्योंकि मामरा जो है स्वीट आलमंड है और इसके अंदर शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए अच्छा नहीं है। गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो गुड़ होता है, गुड़ बहुत ज़्यादा स्वीट होता है लेकिन ये हमारे शुगर क्रेविंग को भी कम करता है, प्लस हमारे अंदर जो है ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस करता है। सेम एज जो मामरा आलमंड होता है वो स्वीट होता है और ये हमारे अंदर की शुगर क्रेविंग को भी कम करता है, प्लस क्योंकि ये नेचुरल शुगर होता है इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर ये शुगर लेवल को भी बैलेंस करता है। सेकेंड बात करती हूँ इसके ऑयल कंटेंट्स के बारे में। तो ऑयल कंटेंट्स के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी अच्छा नेचुरल और ऑयल जो होता है, गुड फैट्स जितने भी होते हैं वो हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मामरा जो होता है वो हमारे आँखों के लिए, ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसका जो ऑयल होता है वो हमारी ब्रेन की जितनी भी नर्व्स होती हैं, जितनी भी हमारी आईज के आसपास की जो नर्व्स होती हैं, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से नरिश करता है, और अगर उसको पूरी तरह से नरिश किया जाएगा तो वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसीलिए मामरा को ब्रेन, आंखों के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है। फिर बात करती हूँ इसके अंदर विटामिन ई, तो आपको मालूम ही है बहुत अच्छा होता है। फाइबर, फाइबर जिस भी चीज़ में अच्छा होगा तो वो वैसे ही अच्छा फूड माना जाता है। अब कहते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा रिच है तो इसलिए ये फूड इतना लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हैं अपनी डाइट से तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल जरूर लो होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बेसिक नीड है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही गुड कार्ब होता है, और लोग तो कुछ रेसिपीज में इसका फ्लावर, आलमंड फ्लावर भी यूज़ किया जाता है कुछ रेसिपीज में उसको रिच बनाने के लिए। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, आपने किसी दाल को बनाया, अगर आप उस दाल को सिर्फ तड़का लगाते हैं किसी भी ऑयल में तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर देसी घी डालते हैं तो वो रिच हो जाता है। उसी तरह से ये आलमंड होता है, ये रिच होता है, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए, हमारे पूरे ब्रेन, आंखों और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पर या बहुत ज़्यादा आँखों का काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनके लिए माइंड का नरिश होना, आँखों का नरिश होना और उनके पूरे नर्वस सिस्टम का नरिश होना बहुत ज़रूरी है।